हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो एक हमारा नया टॉपिक है, काफ़ी जबरदस्त शेयर में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ही खास तगड़ी बेनिफिट मिल सकते हैं इस कंपनी में। तो इस कंपनी को अपने फुटेज में जगह बनाएं और नज़र बना के रखें इस कंपनी पे, क्योंकि ये कंपनी का देखा जाए तो कंपनी के पास डेफ्ट कुछ जी हाँ डेफ्ट फ्री है कंपनी, और कंपनी ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है। कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 1089 करोड़ के मार्केट कैप में, अगर हम इस कंपनी की क्वार्टरली बेस पे देखें रिजल्ट, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 0.33 करोड़ के प्रॉफिट में। अब कंपनी का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 20 रुपये 70 पैसे में अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, जिस टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें कंपनी का प्रॉफिट, तो ईयरली बेस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.62 करोड़ के प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट 2.63 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर हम इसकी रिजर्व की बात करें तो 120 करोड़ का रिजर्व है, और FIDI के पास भी इसकी शेयर होल्डिंग है, FI के पास भी ये शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर के पास भी ठीक ठाक शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों चलिए इस कंपनी का हम फुल एनालिसिस करते हैं, इसकी रिजर्व की बात करेंगे, इसकी सेल्स को देखेंगे, और इसकी प्रमोटर होल्डिंग FI के पास कितनी है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, और क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली बेसिस पे, तो A to Z क्लियर करके हम आपको बताने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से जुड़े प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, और जो बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा शेयर लेने के लिए ना बेचने के। दोस्तों और दोस्तों हम कोई सेबी रजिस्टर फाइनेंस वाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करें तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस वाइजर की सलाह जरूर लेना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस कंपनी की फुल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 1089 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस देखा जाए तो 20 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अगर हाई को देखें तो हाई इसकी 41 रुपये है, 41 रुपये 80 पैसे, लो 8 रुपये 78 पैसे। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी 414 की है, बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 31 पैसे की है। ROC पे नजर आता है 1.87 की, ROE की बात करें तो 1.18 की है। और दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपया है, जी हाँ 1 रुपया। अगर हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी को देखते हैं, कंपनी इज डेफ्ट फ्री, जी हाँ कंपनी इज ऑलमोस्ट डेफ्ट फ्री है। तो कंपनी ने कर्जों को काफ़ी कम किया, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कह सकते हैं इस कंपनी को। अगर हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो कंपनी का सेल्स, जी हाँ कंपनी का सेल्स 28.66 करोड़ की सेल्स करी थी जून 2021 में, वही जून 2024 की बात करें तो 10.38 करोड़ की सेल्स करी। एक्सपेंसेस की बात करें 9.98 करोड़ की एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 0.33 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है, और नेट प्रॉफिट भी 0.33 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयरली बेस पे तो मार्च 2014 में इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 114.38% की सेल्स हुई थी, वही देखा जाए तो अभी 45.48 करोड़ की सेल्स कर रही है। एक्सपेंसेस भी कंपनी का 43.23 करोड़ का एक्सपेंसेस है कंपनी का। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2.62 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 2.63 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ को देखें तो कंपाउंड सेल ग्रोथ 3 ईयर में -33% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 6% है, 5 ईयर में 190% की है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 109% की, और 3 ईयर में 35% की। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर आ रहा तो लास्ट ईयर 1% है और 3 ईयर में भी 1% की है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल, जी हाँ इक्विटी कैपिटल मार्च 2014 में 50.72 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, वही देखा जाए तो अभी 53.39 की इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व देखे तो 120.59 करोड़ की रिजर्व है कंपनी में, तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी रिजर्व है। वहीं उधार देखे तो 5.01 करोड़ का उधार है, और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटी कंपनी के पास 103.61 करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, और एसेट्स देखें तो कंपनी का जबरदस्त एसेट्स है 148.83 करोड़ का एसेट है। तो देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छी खासी है, उधार कुछ भी नहीं है, 5 करोड़ का ही उधार है। अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ
प्रमोटर के पास 19.43% की प्रमोटर के पास है, और एफआई को देखें तो एफआई के पास 0.44% की एफआई के पास है, और बाकी बची हुई पब्लिक के पास 80.12% की। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, बाकी एफआई के पास 0.44% है और पब्लिक के पास 80.12% की शेयर होल्डिंग है। तो देखा जाए तो इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी रिजर्व है कंपनी का, रिजर्व देखें तो 120 करोड़ का रिजर्व है, क्वार्टरली भी रिजर्व में प्रॉफिट में चल रही है, ईयरली बेसिस पे देखें तो 2.63 करोड़ के प्रॉफिट में चले, तो कंपनी कहीं से भी लॉस में नहीं है। तो आने वाले समय में आपको बेहतर रिजर्व देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इस शेयर की चर्चा एक्सपर्ट के द्वारा चल रही है। दोस्तों हम जिस कंपनी के बारे में बात करें उस कंपनी का नाम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है, और इस कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है अभी 20.70 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही, जिस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।